वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन द मैथ्स क्लास फॉर स्टैंडर्ड 7. आई एम योर मैथ्स टीचर. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स बिगिन. सो लास्टली वी कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8 इज रिलेटेड टू द बिफोर क्वेश्चन. सो नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 9. सो हियर एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 9. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 सेज इन द एडजॉइंट फिगर देर आर फिगर इज गिवन लाइक दिस एंड द सम क्वेश्चन आर देर 1, 2, 3, 4, 5, and 6 क्वेश्चन आर देर. सो वन बाय वन वी हैव टू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यूजिंग दिस फिगर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2. सो हियर द इज एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2. द क्वेश्चन इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2. अब एडजेसेंट एंगल होने के लिए हमको पता है 3 कंडीशन वी नो. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन वर्टेक्स, देन कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म बोथ साइड और ईदर साइड. सो हियर फर्स्ट कंडीशन कॉमन वर्टेक्स. इज इट कॉमन वर्टेक्स हियर बिटवीन एंगल 1 एंड एंगल 2? यस. सो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड. नाउ सेकेंड कंडीशन कॉमन आर्म. सो सी फर्स्ट एंगल मेड ए ओ सी. सो हियर ए ओ सी एंड द अनदर एंगल इज सी ओ ई. सी ओ ई सो कॉमन आर्म इन दिस. कॉमन आर्म इज वॉट? ओ सी इज कॉमन आर्म. ओ सी इज कॉमन. सो हियर इन ए ओ सी दिस वन एंड सी ओ ई देर इज ओ सी इज कॉमन. सो यहाँ पर कॉमन आर्म भी हमारा हो गया. कॉमन रे यू कैन से दैट कॉमन रे और कॉमन आर्म दो बोथ आर इक्वल. सो द फर्स्ट टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड. नाउ सेकेंड थर्ड कंडीशन नॉन कॉमन आर्म बोथ साइड और नॉन कॉमन आर्म ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म. सो कॉमन आर्म के दोनों साइड पे नॉन कॉमन आर्म है? यस ऑफकोर्स. सी ए ओ ए ओ सी में ए ओ ओनली वन टाइम रिमिट होता है. सी ओ ई में भी ओ ई ओनली वन टाइम रिपीट होता है लेकिन ये दोनों एंगल में टू टाइम रिपीट कौन होता है? ओ सी. सो ओ सी इज कॉमन एंड ए ओ एंड ओ ई बोथ आर नॉन कॉमन आर्म. सो यस द कॉम द नॉन कॉमन आर्म बोथ साइड्स आर ऑन द कॉमन आर्म और यू कैन से दैट देर आर नॉन कॉमन आर्म प्रेजेंट ऑन द ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म. सो द थर्ड कंडीशन ऑल्सो फुलफिल्ड. सो यस यू कैन से दैट एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2. सो आंसर इज यस एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2. वाई? बिकॉज द थ्री कंडीशंस ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर फुलफिल्ड हियर. नाउ द सेकेंड इज ए ओ सी एंड एडजॉइंट एडजेसेंट टू ए ओ ई. सो यहाँ पर ए ओ सी एंड ए ओ ई मतलब ये दोनों एंगल ए ओ सी दिस वन एंड ए ओ ई ये पूरा. सो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन देखो ए ओ सी हमारा कॉमन वर्टेक्स तो है दोनों में. सो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल अगेन. नाउ ए ओ सी और ए ओ में सेपरेट करके दिखाता हूँ यहाँ पर. सी इट इज लाइक दिस दिस ए ओ सी एंड दिस वन इज ए ओ ई द फुल एंगल फ्रॉम हियर टू हियर बोथ द आर्म. सो फ्रॉम हियर टू हियर ए ओ ई. सो ए ओ सी ए ओ सी में दिस एंगल 1 एंड दिस इज द एंगल 2. सो ए ओ सी दिस इज वर्टेक्स. सो कॉमन वर्टेक्स वी हैव. नाउ कॉमन आर्म इज वॉट? ए ओ इज कॉमन आर्म. वाई ए ओ इज कॉमन आर्म? बिकॉज एंगल ए ओ सी एंड ए ओ ई में रिपीट कौन हो रहा है? ए ओ. ए ओ रिपीट हो रहा है बोथ दोनों में. सो ए ओ इज वॉट? ए ओ इज योर कॉमन आर्म हियर. सो ए ओ इज योर कॉमन आर्म बट आवर कंडीशन इज
कॉमन आर्म सेकंड कंडीशन इज फुलफिल्ड, कॉमन आर्म भी है कॉमन वर्टेक्स भी है, लेकिन थर्ड कंडीशन नॉन कॉमन आर्म इधर साइड ऑफ कॉमन आर्म, सो कॉमन आर्म के दोनों साइड पे नॉन कॉमन आर्म है, एक साइड पर तो है ओसी है लेकिन इस साइड पर है सी, देयर इज नो कॉमन आर्म हियर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ए ओ सी एंड ए ओ ई, सो हियर देयर इज नो कॉमन आर्म, सो द थर्ड कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, सो यू कैन से दैट नो, द आंसर इज नो, ए ओ सी इज नॉट एडजेसेंट टू ए ओ ई, वाई, बिकॉज द थर्ड कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड विच इज द नॉन कॉमन आर्म इधर साइड ऑफ कॉमन आर्म इज नॉट फुलफिल्ड हियर, सो दैट्स वाई यू कैन से दैट द ए ओ सी एट इज एडजस्ट नॉट एडजेसेंट टू ए ओ ई, सो आंसर इज नो. सेम इज क्वेश्चन नंबर थ्री, सी ओ ई एन ई ओ डी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द प्रॉपर एग्जाम, सी ओ ई हियर, द सी ओ ई एंड अनदर वन इज ई ओ डी विच इज दिस वन, ई ओ डी, दिस वन इज लाइक दिस, दिस इज डी, सो हियर द टू एंगल इज बिकमिंग. नाउ द क्वेश्चन इज सी ओ ई एंड ई ओ डी फॉर्म अ लीनियर पेयर, मतलब ये लीनियर पेयर बना रहे, यस, दिस इज द प्रॉपर स्ट्रेट लाइन, सी आई एम ड्रॉइंग रफ स्केच सो दैट्स वाई इट इज नॉट लुकिंग प्रॉपर, बट हियर यू कैन सी दैट सी ओ ई एंड ई ओ डी फॉर्म अ लीनियर पेयर बिकॉज इट इज ड्रॉइंग द स्ट्रेट लाइन, सो सेपरेटली मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ, दैट इज सी ओ एन ओ डी आर टू डिफरेंट रेज ऑफ एडजेसेंट एंगल, सो यस दे आर मेकिंग लीनियर पेयर बिकॉज देयर एडिशन इज 180 डिग्रीज, सो यस. नाउ थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, आर बी ओ डी एंड डी ओ ए सप्लीमेंट्री, नाउ बी ओ डी दिस वन एंड द अनदर वन इज डी ओ ए आर सप्लीमेंट्री, यस ऑफकोर्स सप्लीमेंट्री, क्यों, क्योंकि उनकी फिगर भी ऐसी बनेगी लाइक दिस, सो द ए ओ एंड ओ बी हियर इट इज डी, सो ए ओ एंड ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट, ए ओ एंड ओ बी बोथ मेक स्ट्रेट लाइन, सो यस ऑन द स्ट्रेट लाइन टू एंगल फॉर्म्स दैट इज लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन पर जो भी दो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, लीनियर पेयर, सो यस ऑफकोर्स इट इज लीनियर पेयर, सो द आंसर इज यस. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, इज एंगल वन वर्टिकली अपोजिट टू एंगल फोर, अब यहाँ पर देखो एंगल वन इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल फोर, यस ऑफकोर्स, सारी बाकी की फिगर हटा दो तो ऐसा बनेगा, एंगल वन एंड एंगल फोर वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्यों, क्योंकि दो लाइन इंटरसेक्ट करी है, दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग से जो एंगल्स अपोजिट साइड फॉर्म होते दोनों इक्वल होते, सो यस देर आर वन एंगल वन इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल फोर, यस. नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन, वट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल फाइव, अब यहाँ पर एंगल फाइव है इन दिस फिगर, सो उसका वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, एंगल फाइव मतलब वट, सी एंगल फाइव इज इक्वल टू यर ए ओ डी, सो ए ओ डी का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा सी ओ बी, सो एंगल सी ओ बी इज वॉट द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल फाइव और ए ओ डी, सो दैट्स हाउ यू कैन आंसर द, हियर आई कैन राइट द आंसर, सी ओ बी इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल फाइव और ए ओ डी, सो दिस इज द ईजी सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर नाइन, यू हैव टू जस्ट रिफर द फिगर वन बाय वन, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, सो दैट्स हाउ यू कैन आंसर द क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर, विच पेयर ऑफ एंगल्स आर द फर्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंड द सेकेंड वन लीनियर पेयर, सो यहाँ पर यूजिंग इन द फिगर वी हैव टू फाइंड आउट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर, सो फर्स्ट क्वेश्चन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सो हियर विच वन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यू कैन राइट लाइक दिस, सी एंगल फाइव दिस वन
these two lines are crossing. So angle 4 and angle 1, the one pair is angle 4 and angle 1. The another is angle 5 and C. Angle 5 and this whole angle 3 plus 2. So angle 3 plus angle 2. So this is the vertically opposite angles. Here I am writing curly. Now the second is linear pair. Now linear pair. See, one of the linear pair is angle 5. Answer is angle 5. See, linear pair. The straight line, on the straight line forming two angles, 5 and 1. So angle 5 and angle 1. So one of them. Now another one is on the downside, angle 4 plus 3 plus 2. So angle 4 and angle 3 plus angle 2. So ये दोनों को मिला के और ये, so angle 4 and angle 3 plus 2 एक हो गया. Now this straight line, take this straight line, angle 1 and 3 plus 2, angle 1 and angle 3 plus 2. So एक ये हो गया angle 1 and 3 plus 2. Now another you can imagine, let's find out another one. See, इसमें आ गया 4 and 3 plus 2. Same way 3 and 1 plus 2 भी बना सकते हो, this like this. See, imagine this line. Now the angle becomes 1 plus 2 angle 3. So ऐसा भी बना सकते हो, 3 and angle 1 plus 2. Same way यहाँ पर भी आप बना सकते हो, 2 and 4 plus 3. So angle 2 and 4 plus angle 3. So that's how the pair of linear, that's how the pair of angle which is linear pair, and this is the pair of vertically opposite angles. So that's how you can write the pairs. Now the question number 11, in the following figure is angle 1 adjacent to angle 2. Ab yahan par ek figure diya hua hai aur pucha hai humko ki angle 1 is adjacent to angle 2. Ab adjacent hone ke liye humko teen condition pata hai, common vertex, common arm and non common arm, either side of common arm. So first of all, common vertex hai, see angle A का vertex ये है, angle 2 का ये vertex है, so common vertex ही नहीं है उसमें. So suppose इसको नाम देते हैं A, B, C and D. So A, B, C का vertex है B और B, C, D का vertex है C. So यहीं पे हमारा question wrong हो जाता है कि there is no common vertex. So answer is no. The following figure is angle 1 is not adjacent to angle 2. In the following figure, angle 1 is not adjacent to angle 2. Why? Because there is no common vertex. There is no common vertex. That's why the conditions are not fulfilling this figure. So that's why it is not adjacent. Easy? Same way the question number 12. Find the value of angle x, y and z in the following figure. अब यहाँ पर एक figure दिया हुआ है, उसमें x, y, z की values find out करनी है. See, you have to remember the vertically opposite angle linear pair. So first of all, we have vertically opposite angles which is 40 and, so angle 40 is equal to angle z. So z, angle z is equal to what? 40. Q, because vertically opposite, that's why angle z is equal to angle 40. So angle z and angle 40 ki value same hogi. Same way z ki value to humko mil gayi, z is equal to what? 40 degree. Now z mil gaya, ab humko chahiye y. So here z and y is what? See, z plus y is equal to 180 degree. Why? Because linear pair. Here see, it is making straight line, and on the straight line the angle of addition is 180 degree. That's why it is make linear pair. So yahan par dono ka addition 180 degree. Z ki value humko already mili hui hai, which is 40 degree plus y is equal to 180 degree. So now y is equal to what?
180 डिग्री माइनस 40 डिग्री विच इज़ 140 डिग्री। सो y की वैल्यू भी हमको मिल गई यहाँ पर, z की वैल्यू भी मिल गई, अब बचा x। सी नाउ दिस इज ऑल्सो लीनियर पेयर, एडिशन ऑफ दिस थ्री एंगल इज 180 डिग्री। लीनियर पेयर में एक पूरा सर्कल बनता है ऐसे, और इसमें जितने भी एंगल्स होते हैं इन सारों का मिला के जो भी आंसर होता है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वट एवर द नंबर, इन तीनों चारों एंगल का क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर कितने एंगल है, थ्री एंगल्स आर देर। और ऐसे नहीं करना है तो यहाँ पे लीनियर पेयर लोगे तो z प्लस 25 प्लस एक्स, अगर ऐसे लीनियर पेयर लोगे तो 40 प्लस 25 प्लस एक्स। सो वट एवर यू वॉन्ट टू टेक, आंसर तो आपका सेम ही आएगा। सो आई विल टेक दिस टाइप, सो हियर मैं एक फिगर बनाता हूँ उसके ऊपर से आपको समझ में आएगा। सी दिस इज 40 डिग्री विच इज दिस एंगल, देन दिस इज x एंड दिस इज 25 डिग्री। अब ये तीनों को मिलाएंगे क्या होगा, सी एक फिगर फॉर्म होगा ऐसा विच इज 180 डिग्री। यहाँ पे टोटल स्ट्रेट लाइन क्या होता है 180 डिग्री होता है। सो ये पूरा एडिशन कितना होगा 180 डिग्री होगा। सो 40 प्लस एक्स प्लस प्लस 25 डिग्री सो इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। सो 40 प्लस 25 इज व्हाट, हियर 40 प्लस 25 सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65। सो हियर 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री सो 10 7 सो इट इज 5 इट इज 1 एंड 1 115 डिग्री। सो यहाँ पर x की वैल्यू हमको मिली 115 डिग्री। सो हमने फाइंड आउट किया फर्स्ट ऑफ ऑल z, देन आफ्टर z से हमने फाइंड आउट किया z प्लस y विच इज़ लीनियर पेयर, दैट इज़ y इज इक्वल टू 140 डिग्री, एंड आफ्टर दैट देर इज एडिशन ऑफ द 40 प्लस x प्लस 25 विच इज़ 180 डिग्री ऑल्सो। सो उसमें से हमको क्या करना है, 40 प्लस 25 हमने एक साइड ले गए और x एक साइड ले लिया तो x इज इक्वल टू 115 डिग्री। सो हमको तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू मिल गई विच इज़ x, y एंड z। द x इज अ 115 डिग्री, z इज अ 40 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 140 डिग्री। सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड आउट द क्वेश्चन नंबर 12। नाउ मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 ब्लैंक्स। सो इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ब्लैंक देर इज यू नो ऑलरेडी द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 180 डिग्री। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 blank 1 and 2 is 90 degree and 180 degree, simple. Now moving from third question, now third blank is two angles forming linear pair are, two angles forming linear pair are supplementary. Why? See, linear pair दो angles जो बनाते हैं उनका total कितना होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री मीन सप्लीमेंट्री एंगल। सो दैट्स वाई इफ टू, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दो एडजेसेंट एंगल्स ले लो और वो सप्लीमेंट्री है, देन टू इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। सिंपल इसका उल्टा, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। दो एडजेसेंट एंगल है, दोनों का एडिशन 180 डिग्री होता है, सो वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे एक लीनियर पेयर। सो दैट इज अ लीनियर पेयर, योर आंसर। नाउ द लास्ट फिफ्थ, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, सी टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, if two lines intersect at a point then vertically opposite angles are always equal, क्या होंगे, equal होंगे। क्यों equal होंगे, vertically opposite angles 1 है तो उसके सामने वाला 3 और ये 4 है तो 2, तो 4 और 2 equal होगा, 1 and 3 equal होगा, so vertically opposite angles are equal. Now the sixth question, if two line intersect at a point, यहाँ पर figure बनाते हैं, two line intersect at a point
एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल मतलब छोटी है, एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. सो अनदर, सो अगेन आई एम रेडी. इफ टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट एंड इफ वन ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल, देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑब्ट्यूज एंगल. वाई ऑब्ट्यूज एंगल? बिकॉज एक एक्यूट एंगल है तो दूसरा एंगल उससे बड़ा ही होगा, विच इज ऑब्ट्यूज एंगल. सो ऑब्वियसली योर आंसर इज ऑब्ट्यूज. द वन पेयर इज एक्यूट एंगल्स, तो अपोजिट एंगल्स आर ऑब्ट्यूज. सिंपल. सो दैट्स हाउ यू कैन फिल अप द ब्लैंक्स. नाउ मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 5.1, विच इज क्वेश्चन नंबर 14. नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स. बाई यूजिंग दिस फिगर वी हैव टू आंसर द क्वेश्चन. ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल विच इज बी ओ सी. ये देखो, ये वाला बड़ा एंगल है, सो दूसरा बड़ा एंगल कौन सा होगा? ये वाला ए ओ डी. सो बी ओ सी एंड ए ओ डी इज योर आंसर. नाउ द नेक्स्ट, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. एडजेसेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री दोनों होने चाहिए, तो एडजेसेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री कौन से है? ए ओ बी विच इज दिस एंगल एंड ए ओ ई विच इज दिस एंगल. सो एडजेसेंट भी होने चाहिए प्लस कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का एडिशन 90 डिग्री होना चाहिए, तो एक एंगल होगा ये एंड द अनदर वन इज दिस वन. सो बी ओ ए एंड ए ओ ई, सो बोथ आर एडजेसेंट एंगल एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. नाउ इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स भी होने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए, तो कौन कौन से होंगे? द ई ओ बी एंड द ई ओ डी. सो ये दोनों 90-90 हो जाएंगे. सो दोनों इक्वल भी है प्लस सप्लीमेंट्री भी है, दोनों का एडिशन होगा 90 प्लस 90 विच इज 180 डिग्री. सो द आंसर इज ई ओ बी एंगल, ई ओ बी एंड एंगल ई ओ डी. सेम विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स. अनइक्वल सप्लीमेंट्री यहाँ पर बहुत सारे होंगे. सी अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सो वो टोटल एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री. सो 180 डिग्री के लिए बी ओ ए है, ए ओ डी है. सो बी ओ ए ए ओ डी, एक हो गया ये, एक हो गया ये पूरा. नाउ ए ओ डी, ए ओ डी दिस वन एंड द डी ओ सी, डी ओ सी दिस वन. सो ये पूरा 1 + 1, सो ये होगा टोटल 180. सेम एज डी ओ सी प्लस सी ओ बी, डी ओ सी प्लस सी ओ बी, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो टोटल 180 होगा. सेम वे सी ओ बी प्लस बी ओ ए, तो सी ओ बी प्लस बी ओ ए, सो ये दोनों, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो भी 180 डिग्री होगा. सो द अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स. अनइक्वल मतलब दोनों इक्वल नहीं है. सो दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स बी ओ ए ए ओ डी, ए ओ डी डी ओ सी, डी ओ सी सी ओ बी एंड सी ओ बी बी ओ ए. सो ये सारे अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हुए. नाउ द लास्ट एंड फाइनल 1/5, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर. लीनियर पेयर ना बनाने वाले एडजेसेंट एंगल विच इज ए ओ ई. सी ए ओ ई, एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ई ओ डी, ई ओ डी. सी ये एंगल एंड ये एंगल, कॉमन आर्म हो गया, कॉमन वर्टेक्स हो गया, नॉन कॉमन आर्म दोनों साइड हो गया. सो ये हो गया हमारा एडजेसेंट एंगल 1. नाउ सेकंड एंगल ई ओ डी एंड डी ओ सी, ई ओ डी एंड डी ओ सी, ये भी एडजेसेंट हो गया, वर्टेक्स हो गया, कॉमन आर्म हो गया, नॉन कॉमन आर्म भी हो गया, तो ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल हो गए. वो भी कैसे? मेकिंग लीनियर पेयर ऑल्सो, मेकिंग नॉट लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ना बनाने वाले. अनदर बी ओ ए एंड ए ओ ई, सो दिस वन इज बी ओ ए एंड ए ओ ई, ये दोनों अगेन. सो ये भी लीनियर पेयर नहीं बनाते, तो इन दोनों, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है और ये लीनियर पेयर भी नहीं बनाते. सो एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर. सो ऐसे 1, 2 and 3 पेयर वी कैन गेट. सो दिस इज द होल क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. सो इन नेक्स्ट वीडियो लेसन वी विल कंटिन्यू विथ एक्सरसाइज 5.2. थैंक यू.